प्यारे जो नमस्कार, सिम्सन 3-8 रूल या सिम्सन सेकंड रूल के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिम्सन 3-8 रूल या सिम्सन सेकंड रूल का जो मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट इससे जो आंसर हमें मिलता है बहुत ही करेक्ट आंसर मिलेगा एज कंपेयर टू जो प्रीवियस हमने दो मेथड पढ़े, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्सन फर्स्ट रूल। तो उनसे इससे करेक्ट आंसर मिलेगा। हम जो एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेक्चर शुरू करो उससे पहले मैं आप चाहूँगा कि आप अपना जो फीडबैक है वो जरूर मुझे प्रोवाइड करिएगा। नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो आपका स्टडी ग्रुप होगा उसको शेयर करिएगा। तो यूजेज पिछले दो मेथड और इसका यूजेज क्या है। पहला स्टेटमेंट में बात कर लें, दिस रूल हेल्प इन फाइंडिंग एरिया ऑफ इरेगुलर फेस। इरेगुलर फेस कोई भी होगा उसके लिए एरिया की ज़रूरत होगी, फाइंड कर सकते हैं इससे हम। फॉर दिस होल रीजन फॉर विच एरिया इज टू बी कैलकुलेटेड सब डिवाइडेड इन टू एन इक्वल पार्ट, ध्यान रखें एन इक्वल पार्ट, एन पार्ट बाई टेकिंग द एन प्लस वन ऑर्डिनेट। जब इक्वल पार्ट होगा तो उससे ज़्यादा होगा, अभी मैं बताऊँगा कैसे होगा। एन फॉलोइंग फार्मूला यूज टू कैलकुलेटेड एरिया, जो फार्मूला अभी हम लिखेंगे। इस विधि से हिंदी में अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे क्षेत्र को एन प्लस वन कोटियाँ लेकर एन बराबर भागों में बांट देते हैं, भागों में बांट दिया जाता है तथा क्षेत्र के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिटेल इसका समझ लें, फिर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में फंडा क्या है। यहाँ कर एन इक्वल पार्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस है, इसको हमने दो या तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन सा, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो अब नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हो गए, देखिए एक दो ये तीन और ये कितना चार। तो इसको हम कहते हैं जो वाई एक्स पे जो डिस्टेंस कवर होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये इस तरह से है ना, ये यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है, तो इसी को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जो वाई एक्स के थ्रू हम डिस्टेंस को करेंगे ऑर्डिनेट, या इसको कहते हैं कोटि, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट जो हो जाएंगे। तो ये मेन फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए कि नंबर एन इक्वल पार्ट, तो ऑर्डिनेट की संख्या कितनी होगी या कोटियों की संख्या कितनी होगी, उससे एक ज़्यादा होगी। और कोटियों की संख्या यदि एन प्लस वन है तो इक्वल पार्ट की संख्या एन की पार्ट कितनी होगी, एक उससे कम होगी। तो सिंपली बस अब इसको हमें एक फिगर के थ्रू वर्कआउट करना है और इसके फार्मूले को लिखना है सिंपल। तो आइए हम इसके एक सिंपल सा फिर से जैसे पिछले ही में करते आए थे उसी तरह इसको हमें करना है सिंपल। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरह से कोई आपका इरेगुलर फेसेस रहेगा आपका। अब यहाँ से इसको एन इक्वल पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है सिंपल, इस तरह से आप इक्वली डिवाइड करिएगा, इस तरह से इक्वली डिवाइड करना है। और जो ये डिस्टेंस होगी एच होगी, एच 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 एच, इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। ये जो वैल्यू होगी यहाँ एक्स इक्वल टू ए से शुरू होगी, जिसको हम कहते हैं एक्स नॉट स्टार्टिंग होती है। अगली जो वैल्यू आएगी इसको हम कहते हैं एक्स वन, यहाँ क्या आएगा एक्स टू, इसी तरह यहाँ क्या आएगा एक्स थ्री, अप टू डॉट डॉट करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा एक्शन, ठीक। एन इक्वल पार्ट्स, अब जो ऑर्डिनेट होगा इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डिनेट हो गया वाई ज़ीरो, ये हो गया आपका वाई वन, यहाँ से हो गया वाई टू, ये हो गया मान लीजिए वाई थ्री, डॉट डॉट कर लेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा वाई एन, ठीक। और ये जो फंक्शन होगा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इंटीग्रल हमारा कैसा दिया होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये दिया होगा जो कि ये वाई है आपका, एरिया तो यहीं होता है आपका, एरिया इज इक्वल टू आपका यहीं तो होता है ए टू बी वाई डी एक्स, और वाई क्या होता है आपका एफ एक्स होता है बस। तो जब ये पोर्शन यदि आपको क्लियर हो गया, एच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, एच क्या है विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ बिटवीन, विड्थ बिटवीन कह सकते हो आप, बिटवीन टू ऑर्डिनेट, ठीक है।
दो ऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी है सिंपल। तो x1 की वैल्यू क्या होगी और x0, x0 तो हमारे पास ऑलरेडी हमें मिल चुका है, x0 जो हमारा होता है a होता है, a से स्टार्ट करते हैं सिंपल। अब x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू को देखना है। तो देखिए यहाँ तक a है, ये डिस्टेंस कितनी है h है, तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो a प्लस एच हो जाएगा। x1 क्या होगा, a प्लस एच हो गया। इसी तरह x2 तक बढ़ेंगे तो a प्लस 2h हो जाएगा, ये यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। तो x2 की बात करेंगे तो a प्लस 2h हो जाएगा। इसी तरह अगर x3 की बात करेंगे तो a प्लस 3h होगा। डॉट डॉट अब xn की बात करेंगे, xn क्या होगा हमारा, a प्लस nh हो जाएगा, क्योंकि n टर्म्स हैं, n ऑर्डिनेट्स हैं। और ये xn जो होगा किसके बराबर होगा, इस b के बराबर होगा, जो यहाँ पर अपर लिमिट हमारे पास है इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ से h की वैल्यू को निकाल लेंगे, h निकल सकता है यहाँ पे, ए बी है तो मतलब b इज इक्वल एन डी नहीं होगा, जैसे दो एन एच, ठीक है। सॉरी इसको रीअरेंज कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, h होगा यहाँ पर, दैट इज द h, ठीक। तो और ये b है तो मतलब b इज इक्वल टू आपका a प्लस एन एच है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। n जो है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स की कहानी कह रहा है। तो अब हमें फार्मूले के बारे में फोकस करना है, एक्चुअल में हमारा फार्मूला क्या होगा। तो हमें पहले टेबल को ड्रॉ करना होगा, ड्रॉन टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेबल हर बार ड्रॉ करना, क्योंकि बिना टेबल के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टेबल को कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं सिंपल। तो हमें x की ज़रूरत होगी और fx की ज़रूरत होगी, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर टेबल की कहानी को कहना शुरू करेंगे। बहुत ही ईमानदारी से टेबल्स अच्छे से ड्रॉ करना है आपको। x हो गया, ये स्टार्ट होगा a से, जिसको हम कहते हैं एक्स वन कह सकते हैं आप। ये इस तरह से पोर्शन किस लिए ड्रा होगा, ठीक। देखिए तो इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ। अब यहाँ से जैसे हम कह रहे हैं, तो देखिए ये x0, x1, x2, x3, x4, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम x5 भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद x6 भी ले लेते हैं और फिर डॉट डॉट करके xn तक चले जाएंगे, ठीक। ये वैल्यूज, तो अब x जो शुरू होता है a से, ये a प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच, ए प्लस फाइव एच, ए प्लस सिक्स एच और डॉट डॉट जो होगा a प्लस एन एच, और ये किसके बराबर होगा, जो b के बराबर होगा। अब इन सब की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ a, एफ ऑफ ए प्लस एच और फिर एंड सो ऑन, एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड इसी तरह सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सिंपल। ए प्लस थ्री एच, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर सभी, ए प्लस फोर एच, ठीक, और फिर एफ ए प्लस फाइव एच और फिर एफ ए प्लस एन एच, ठीक। अब ये जो स्टार्टिंग होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, वाई ज़ीरो, y1, y2, y3, y4, y5, y6, डॉट डॉट yn, ठीक। ये तो हमारा टेबल का प्रोसीजर हो गया। अब जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला सिम्पसन, सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 बाय रूल्स। अब इसको बहुत ही बारीक से इसको समझना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 3/8 है तो 3/8 और इंटू एच आ जाएगा सिंपल। जो 3/8 है, वन थर्ड था तो वन थर्ड लिखा था, अब ये 3/8 हो गया। अब यहाँ पर जो इसका रूल है, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ रूल है,
क्योंकि इसको समझना, अगर इसको आप अच्छे से समझ पाते हैं तो आगे आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जैसे y नॉट प्लस वाई एन, ये सभी में रहता है, फर्स्ट ये प्लस लास्ट में जो आएगा, ठीक। अब प्लस, अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें समझनी है। टू इंटू, देखिए टू इंटू यहाँ पे आता है मल्टीपल ऑफ ऑर्डिनेट जो थ्री से मल्टीपल होंगे, मतलब वाई थ्री, वाई सिक्स, वाई नाइन, अप टू वाई, अब जो लास्ट में होगा थ्री से घटेगा, मतलब एन माइनस थ्री, तीन का गैप होगा। सम ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री ऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेट जो थ्री से मल्टीपल होगा उसका, प्लस टू। अब आगे जो पोर्शन हमारा होगा यहाँ पे, अब अगला आता है थ्री इंटू, थ्री इंटू जो रिमेनिंग बच गए, मतलब अब कौन कौन से ले लिए, ये ले लिया आपने, ठीक। उसके बाद जो बचा हुआ है सब, मतलब ये वाला पोर्शन वाई वन, वाई टू, वाई फोर, वाई फाइव, सब y1, y2, y3, y5, y4, y5, ठीक, एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है, n-1, ठीक, बचा हुआ पोर्शन। तो इस फार्मूले को याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर इसको आप याद रख सकते हैं तभी कर पाएंगे। तो इसको अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो 3 बाई एट एच, फर्स्ट प्लस लास्ट, प्लस टू इंटू सम ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक, मल्टीपल ऑफ थ्री, मतलब ये वाई थ्री, वाई सिक्स, वाई नाइन, इसका मतलब ये हुआ। अब प्लस थ्री इंटू रिमेनिंग ऑर्डिनेट, जो बचा हुआ होगा रिमेनिंग ऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन करना। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, मतलब तीन, जो तीन से मल्टीपल कोटियों का योग, हिंदी में अगर लिखें थ्री बाई एट एच, प्रथम फर्स्ट एफ मतलब फर्स्ट, प्रथम कोटि, प्लस अंतिम कोटि, ठीक, प्लस टू इंटू तीन के गुणज कोटियों का योगफल। ध्यान रखिएगा यहाँ इसका मतलब समझिएगा, तीन के गुणज कोटियों का योगफल मतलब y3, y6, y9 और सम सो ऑन एंड सो ऑन, प्लस टू थ्री इंटू बची हुई कोटियों का योगफल, ठीक, ये हो जाएगा। अब इस तरह से ये फार्मूले होंगे, अब इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको सारा डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक फार्मूले एक क्वेश्चन को करने, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0 टू 1 1 पॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यूजिंग 3 बाई 8 रूल्स या सिम्सन सेकेंड रूल टेकिंग एन इज इक्वल टू 3, हेंस कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, मतलब इसका मान ज्ञात करना है आपको 3-8 रूल से, और कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहला जो एक एक मेथड होगा जो हमें ज़रूरत होगी उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे हमें जो बात करना है 0 टू 1, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लिखना है। तो पहले 0 टू 1, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको दिया हुआ है, इसका जो कंपेयर करेंगे हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से, कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करके ए फाइंड कर लिया, ए कितना मिलेगा हमारा, देखिए यहाँ पे ए जो होगा जीरो मिल जाएगा, बी कितना मिलेगा वन, और जो एफ एक्स फाइंड आउट होगा, एफ एक्स
एफ एक्स कितना मिल जाएगा, एफ एक्स यहाँ पर ये पोर्शन हमारा एफ एक्स है, तो ये पोर्शन एफ एक्स होगा मतलब 1/1 + x²। एन इज इक्वल टू क्या होगा, 3 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें चाहिए एच, फाइंड एच। तो एच इक्वल टू हम जानते हैं कि बी माइनस ए अपॉन एन होता है, तो 1 - 0/n मतलब 3, तो एच की वैल्यू मिल गई 1/3। एच हमें फाइंड आउट हो गया 1/3। अब जो अगला पोर्शन हमारा है, ड्रॉ द टेबल, तो हमें टेबल को अब ड्रॉ करना है, तो आइए टेबल को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉन टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टेबल सही से ड्रॉ करना। एक्स लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, और एफ एक्स ऑलरेडी आपका है 1/1 + x²। ठीक, ध्यान से, बहुत ही आराम से, जल्दीबाजी नहीं बट ध्यान से करना है। पहला होगा आपका ए जो होता है, स्टार्ट होता है यहाँ से, ए से स्टार्ट होगा, एन की वैल्यू 3 है, तो ए ए प्लस एच, ए प्लस 2h, और फिर ए प्लस 3s तक जाएंगे। इतना ही तो हमारे पास इसके लिए वर्क रहेगा, सिंपली इस तरह का एक फॉर्मेट हमारे पास बनेगा। तो आइए अब इसमें a क्या है, 0 से शुरू हुआ, 0, a प्लस एच 0 + 1/3 मतलब 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा 0 + 3 × 1/3 मिला के 1, जो कि b की बराबर होगा, जो b की वैल्यू 1 है, a की लिमिट 0 है, 1 आ गया। अब इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू मतलब f ऑफ 0 चाहिए हमें, f ऑफ 0, तो एफ एक्स ये है f ऑफ 0, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 + 0² मतलब 1, तो 1 आ गया। इसी तरह अब यहाँ क्या चाहिए, f ऑफ 1/3, f ऑफ 1/3 हमें फाइंड करना है, तो f ऑफ 1/3 कैसे फाइंड होगा, इसी फंक्शन में फाइंड आउट होगा। तो f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू, देखिए 1/1 + 1/3 का स्क्वायर, 1/1 + 1/9, अब एलसीएम ले लीजिए, तो 1/1 + 9, ठीक, ये मिल गया आपका 9/10, ये वैल्यू मिल जाएगी, तो ये मिल गया आपका 9/10। ठीक, सिमिलरली अब हमें यहाँ क्या निकालना है, एफ ऑफ 2/3, तो देखो 2/3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं अभी इसको, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो सही से करेंगे। एफ ऑफ 2/3 फाइंड करना है हमें, तो 1/1 + 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए कितना होगा, 1/1 + 4/9, ठीक, और टोटल 9/4 = 13, मतलब ये हो जाएगा 9/13, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9/13, ठीक, ये 9/13 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1/1 + 1 = 1/2, और ये स्टार्ट हो गया आपका अब y0, y1, y2, y3 हमें मिल गए 3 वैल्यू। अब हम फार्मूले पे आते हैं, जो हमारा फार्मूला है उस पर हम फोकस अगर करेंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत ही बेटर होगा, फार्मूला। तो आइए हम इसे फार्मूले पे बात करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखना है, फिर उसके बाद आगे का फोकस करेंगे। तो मेन है हमारा फार्मूला, तो फार्मूला सही से लिखना पड़ेगा, a to b f(x) dx, जो आप एक्चुअल में जानते हो, तो 3/8 × h ब्रैकेट, y0 + yn होता है, प्लस 2 × 3, मतलब 3 से जो गुणनफल वाले ऑर्डिनेट होंगे उनको लिखना है, y3 y6 y9, इस तरह से मल्टीपल वाले टर्म्स रहेंगे, प्लस 3 × जो बचा हुआ है, y1 y2 y3 नहीं लेंगे क्योंकि y3 ऑलरेडी आ चुका है, y4 y5 up to something, इसका मतलब जब जितना हमें ज़रूरत होगा। ठीक, तो
तो अब इस क्वेश्चन की अगर फोकस की बात करें तो देखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 3/8H। अब देखिए इसमें जो रिजल्ट है उस पर बात कर, तो आप कर लो पहले। देखो यहाँ पर क्या है, कह रहे वाई ज़ीरो प्लस वाई एन, मतलब ये क्या है द फर्स्ट एंड लास्ट, इसका मतलब है। तो यहाँ पे फर्स्ट कितने कौन सा है, ये फर्स्ट है, इसका क्या मतलब हुआ, ये लास्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई नॉट प्लस वाई थ्री, फर्स्ट एंड लास्ट आ गया, प्लस टू इंटू मल्टीपल ऑफ थ्री, तो वाई थ्री ऑलरेडी ले चुके हैं आप, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक, अब बचा जो बचा वाई सिक्स वाई नाइन या समथिंग तो है ही नहीं, तो क्या हुआ ज़ीरो, प्लस थ्री इंटू जो रिमेनिंग पोर्शन है वाई वन एंड वाई टू, ये वाला जो पोर्शन है रिमेनिंग। तो वाई वन हमारा कितना है 9/10 एंड वाई टू कितना है 9/10, अभी अच्छा सॉरी यहाँ पे पहले हमें लिखना है इसकी वैल्यू, यहाँ पे वाई वन प्लस वाई टू, अब यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे तो एच की वैल्यू कितनी है 1/3 है, 1/3 हो गई। वाई ज़ीरो हमारे पास कितना था 1 एंड वाई थ्री कितना है 1/2, ये हो गया। देखिए वाई ज़ीरो हमारे पास यहाँ पर है 1 है और वाई थ्री यहाँ पर है, ये वाली बोलू वैल्यू 1/2 प्लस, ये ज़ीरो हो गया। अब ये बचा क्या, 0 प्लस 3 इंटू वाई वन एंड वाई टू, तो 9/10 एंड प्लस 9/13 ये वैल्यू होगी। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको, ये कैंसिल हो गया 1/8 आ गया यहाँ पे। अब लेफ्ट में हमारे पास क्या आ गया, ए से बी सॉरी 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लेफ्ट में वैल्यू है, ये हो गया आपका 1.5। ठीक 1.5 हो गया, या 3/2 जैसे भी आपको करना है कर लीजिए, प्लस 3 इंटू इंटू 9 कॉमन करके इसको आप लिख लीजिए 1/10 प्लस 1/13। सिंप्लीफाई करना है सिंपल 1/8 1.5 प्लस 9/3 27 हो गया 27 इंटू यहाँ पे 13 प्लस 10 अपॉन 130 एलसीएम। ठीक 1/8 और इंटू 1.5 प्लस 27 into 23, ठीक डिवाइडेड बाई 130, 1/8 ब्रैकेट 1.5 और फिर इसका मल्टीपल जो करके हमें फाइंड करना है, तो मल्टीपल और फाइंड करके जो टोटल रिजल्ट हमें मिलता है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, अब ये टोटल इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1.5 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हमें एक्चुअल में मिलेगा 1.8। तो एक्चुअल में मैंने मल्टीपल कर दिया 27 से, नहीं तो ये फिर आपका इस तरह से फॉर्मेट मिल जाता 23/130 हो गया और दिस इज। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा इसको टोटल सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस वाले पोर्शन को इसको टोटल सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है तो ये आएगा 3, 9, 6, 27 इतना आएगा, ये 4 इतना वैल्यूज आएगी इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके, और 1.8 इंटू अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ये 50 है, तो सिंपली ये देखिए इतनी वैल्यू तो आपके पास रहेगी, ये वैल्यू इतनी 769 सेम रहेगा 769 और 5 इसमें ऐड होगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 4 एंड 5 एंड 6 6.2769 आ जाएगा ये रिज़ल्ट। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.7846 ये डिवाइड वैल्यू आती है, 8 से आप इसको डिवाइड कर दो तो आप ये डिविज़न वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ये रिज़ल्ट तो हमें मिल गया, यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई हमें, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 plus एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट हो गया 0.78462 ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। तो आप चाहे तो 0.7846 भी लिख सकते हैं।
अब कह रहा है कि अगला जो टास्क है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पाई कैसे फाइंड आउट होगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपल। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। और जैसे इंटीग्रेट कर देंगे तो रिजल्ट अपने आप यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करके देखते हैं इसका रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये आपका आ गया टेन इनवर्स एक्स होगा। लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू 0.7846। ठीक है, इस 2 को निगलेक्ट कर दिए। अब ये आपका आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0.7846। टेन इनवर्स 1 का मतलब कितना हो गया, ये पाई बाई 4 हो गया। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स टेन 0 0.7846। और ये आपका आ गया पाई बाई 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.7846। इम्प्लाई दैट पाई इज इक्वल टू 0.7846 इंटू 4 मल्टीपल 4×6=24। ठीक है, 4×4=16, 2×18 0×32 33 और 4×7=28 31। 3 point, और पाई की वैल्यू आपको पता ही कितनी होती है, 3.14 होती है, 14। तो अब ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आपकी आ गई। तो इसी तरह से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये एग्जैक्ट मान देता है एज कंपेयर टू जो पिछले 2 मेथड हमने पढ़े थे उसकी तुलना में। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।